Chef, voy a ayudar. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में माहौल थोड़ा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं और ये मांग कर रही हैं कि जो केजरीवाल सरकार ने वादा किया था 1000 रुपए देने का 2024-25 के वित्त वर्ष में, वो 1000 रुपए नहीं दिए गए हैं और वादा खिलाफी एक तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज ये महिलाएं एकत्रित हुई है प्रदर्शन करने के लिए। महिलाओं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आप? हम दिल्ली महिला मंच की तरफ से आए हैं, दिल्ली महिला मंच की तरफ से आए हैं। और जो केजरीवाल ने और आतिशी ने हमसे 1000 का फॉर्म भरवाया था, तो वो अब तो वो कोई छुपी बैठे हैं, ना तो वो कुछ देख रही है ना मिल रही है। तो वो हम 1000 रुपए लेने आए उनसे कि हमें 1000 रुपए दो। जब आपको झूठा ही फॉर्म भरवाना था, जब आपको देना ही नहीं था, तो झूठ बोल के फॉर्म क्यों भरवाया? हमारे को झूठे वादे क्यों किए हमसे? हमको वो 1000 रुपए चाहिए चाहिए। मैडम इलेक्शन के समय उन्होंने कहा था 1000 रुपए फॉर्म दो, 1000 रुपए के उन्होंने कितना पानी का ना बिजली का उन्होंने कुछ भी नहीं करे। क्या करूँ गरीब जनता, झुकी झोपड़ी क्या करे, कैसे पड़ा? वो तो जेल में जाके बैठ गए, हम लोग क्या करें गरीब जनता, ये बताइए। अभी तक 1000 रुपए कुछ नहीं आया, वो उन्होंने झूठा वादा कर लिया इलेक्शन के चक्कर में, झूठा वादा किया। सिर्फ इलेक्शन ये 1000 का फॉर्म भर दो, तो हमने वहाँ से फॉर्म दिया, वो भर दिया, झुकियो कैंप से, कैंप से भी वादा करा 1000 रुपए देंगे। वोट हमें तो, हमने वोट उनको दिया है, सारे झुग्गी वालों ने, कैंप वालों ने, जिन कोई वादा पूरा नहीं करता। बिजली का बिल बढ़ा दिया। आप लोग से फॉर्म भरवाए गए? हाँ भरवाए, ये इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन। हाँ इलेक्शन था फॉर्म में, ये 1000 रुपए देंगे आप, हमें वोट दो। हमारी सरकार ना हो, हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो अब सरकार बनी ना बनी हमें से वोट ले लिया और उनका मतलब वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। वादा पूरा करो केजरीवाल। हमें कौन आया था आपके पास? यही इसे जीतू जो जो राजगढ़ से बैठे ना आम आदमी के सब, वो आए थे हमारे पास फॉर्म ले लेके। हमें उसमें बुलाया गया था भी, तुम्हारे फॉर्म भर चुके हैं और तुम हमें वोट देना। तुम हमारी सरकार था, तुम्हारे बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे। अब वो गायब है। 1000 रुपए का वादा किया था हमसे वोट ले लिया, अभी हमारे 1000 रुपए नहीं आए, नहीं आए, और ना हमारे पानी आ रहा, नहीं आ रहा। अभी बताया था कब 1000 रुपए कब देने का वादा किया था? कब आते ही हमारा मोटर चलता नहीं है, फ्लोर खाली है, फिर भी 33,000 बिल केजरीवाल से पूछते हुए, ये कैसा घोटाला है, ये कैसे बिल आ रहे हैं? बोलते पानी बिल फ्री है, कौन सा फ्री है? 33,000 का बिल रहता तो मैं दिखा देती, खाली फ्लोर का भी। बात मुझे बताना है, जब केजरीवाल जेल जाने के बाद ठेके बराबर चल रहे हैं, तो ठेके बराबर चल रहे हैं, बुढ़ापे बुढ़े लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, 3-4 महीने हो गए, बुजुर्ग लोगों की पेंशन अभी नहीं आई है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैडम कार्ड भी बंद करवा रखे अभी, राशन कार्ड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल को जेल जाने के बाद ठेके बंद नहीं हुए, बराबर चल रहे हैं, तो पेंशन क्यों रुक गई? पानी आता है वो पीने लायक नहीं है, बहुत गंदा राशन भी खराब मिलता है, गंदा राशन। और 1000 रुपए का वादा किया था उन्होंने, वो अभी तक नहीं दिए।
राशन कार्ड पेंडिंग चल रहे सारे। केजरीवाल ने पेंशन भी बंद करा रखी है, महिलाएं कितनी परेशान है। बुजुर्ग बुजुर्ग बहनों से पूछो, वो बेचारी बुजुर्ग जो औरतें घर में रह रही हैं, उनके पेंशन से गुजारा होता था, आज वो परेशान है, चार महीने से पेंशन नहीं आ रही है। केजरीवाल झूठे वादे कर करके लोगों को धोखा देता है। आज बहने यहाँ पे सब एनजीओ की बहने आई है पुकार करने के लिए, तो पुकार कर रही है महिलाएं, अपनी मांग रख रही है। उनका ये कहना है इलेक्शन से पहले हमसे फॉर्म भरवाए गए थे, 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था लेकिन दिया नहीं गया है, हमसे वोट देने को कहा गया था उसके बदले हमें 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था लेकिन ये 1,000 रुपए अभी तक इनके अनुसार अभी तक इनको नहीं मिले हैं। और भी कई शिकायतें हैं जिसको लेकर के आज ये महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी हुई हैं। विजय उमेश के साथ अंजलि रजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।